हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट, मतलब गाइज आव्यूह को कैसे घटाएं। एकदम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझें आपने, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आव्यूह को, आव्यूह का घटाना। आव्यूह को क्या पढ़ने वाले हैं? घटाना पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ मैट्रिक्स को कैसे सबट्रैक्ट करना है। तो मैट्रिक्स का कैसे हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, आप देखें सबट्रैक्ट करने का तरीका क्या है। बच्चा पार्टी, आप देखोगे ये क्वेश्चन मैं आपको सामने में रख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। जैसे मान लो मैंने कहा गया कि 2, 3, 4 और मान लो मैं यहाँ 1 हो गया, माइनस है यहाँ क्या कर दिया, 3 कर दिया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हैं। इसको आप समझ सकते हो, करना है सबट्रैक्ट, कुछ भी ना करें बच्चा पार्टी। आप 2 है 2 को लिखें, माइनस का साइन लगाएं, 3 वाले को 3 के इक्वल करें, फर्स्ट वाले को सेकेंड के साथ, थर्ड वाले का और 1 का 2 से चक्कर चलाएं, चक्कर पहले वाले को पहले चलेगा, तीसरे का पहले चलेगा, दूसरे का पहले चलेगा, पहले का गाइस पहले से और लास्ट वाले का लास्ट से, क्रिया आपको याद रहे। तो 2 माइनस का 3 कर दिया, 3 माइनस का 1 कर देना है, 3 माइनस का 1 कर दिया, 4 माइनस का 0 है तो 4 माइनस का 0 कर देना है, 1 माइनस का 2 है तो 1 माइनस का 2 है। गाइज बिल्कुल इसको आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप इसको समझा सकते हो कि सर जो आप बचने वाला है क्या बचने वाला है, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, बड़े में से छोटे घटाएं, बड़े वाले का साइन लिखें, तो 3 में से 2 बचता है जाता है 1 बचता है, बड़े के साइन माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बड़े साइन प्लस इसलिए प्लस हो गया, 4 में से 0 जाएगा 4 ही बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा क्या, माइनस 1 बच जाएगा। तो फाइनली कहिए मेरे पास क्या है आंसर है, फाइनली ये क्या है मेरे पास आंसर है। अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और नज़रिया देखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको मैं हटाता हूँ और चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आओ ले चलें बच्चों आपको सेकेंड क्वेश्चन की दुनिया में और देखें कितना प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन होने वाला है, जो सबट्रैक्ट आप सीखने वाले हो मैट्रिक्स का, एक आज एकदम लाजवाब सबट्रैक्ट आपको होने वाला है। इसे मैंने कह दिया माइनस 1 माइनस 2, 3 कर दिया 4 कर दिया, माइनस 2 कर दिया, माइनस मान लो कुछ यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, यहाँ पे माइनस 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। समझिएगा लॉजिक कैसे करना है। इस माइनस को यहाँ कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप और समझ जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो गाइस मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि आप दिस को लिखें एंड माइनस दिस को लिखें, तो माइनस 1 और माइनस में दिस वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2 हो गई, दिस लिखें एंड माइनस का दैट लिखें तो माइनस 2 एंड गाइस माइनस का 5 हो गया। अब गाइस आपको याद होगा 3 माइनस का 1 तो 3 लिखें, माइनस 1 लिखें, 4 है 4 लिखें, माइनस लगाएं, जो भी वैल्यू है वैल्यू पूरी क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखें। आपको क्या करना है, माइनस 1 है माइनस 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपने कहा सर प्लस का 2, आपको पता हुआ गए कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चा पार्टी, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो ये भी आपको पता है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चा पार्टी, माइनस होता है, एंड माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, अगर सेम साइन आएगा तो प्लस होगा और डिफरेंट आएगा तो माइनस होगा, सेम आएगा प्लस, डिफरेंट आएगा माइनस। वही हाल मैंने किया, माइनस में प्लस कर दिया, माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो कहलाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, और गाइस 4 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो आप देखेंगे फाइनली एक लाइन में आपका आंसर आने वाला है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट लाइन, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा एंड माइनस का 7 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 4 टू कितना होता है, 6 होता है। तो फाइनली गाइस हमारे पास गाइस कुछ ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम ये दो रो और दो कॉलम वाला देख रहे थे, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और 3 रो और 3 कॉलम की तरफ देखते हैं कि 3 रो और 3 कॉलम में एक किस प्रकार के क्वेश्चन बनते होंगे। आप इधर समझ जाएंगे तो कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है गाइज। तो आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है गाइज आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो। तो गाइज समझें क्वेश्चन कैसा होगा, मान लो मैंने 2 कर दिया, 3 1 कर दिया, 4 3 1 कर दिया, 7 2 का 9 कर दिया, 1 1 4 कर दिया, 3 2 5 कर दिया, 1 6 3 कर दिया। क्वेश्चन को देखें कैसे आपको सबट्रैक्ट करना है, 2 है तो आपको गाइस 2 लिखना है और आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं मैं इसको लिख लूँ, 2 है 2 लिखा, माइनस में क्या 1 लिख लिया,
थ्री है थ्री लिखा और माइनस में वन लिख लिया। याद रहे पहले पहले से चक्कर, दूसरे का दूसरे से चक्कर और तीसरे का तीसरे से चक्कर चलाना है। हाँ गाइस, ये क्रियाएं आपको याद होती रहनी चाहिए कि फर्स्ट का फर्स्ट चक्कर चलाना है, दूसरे के दूसरे चलाना है और तीसरे का चक्कर तीसरे चलाना है। कोई आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका इससे चक्कर। तो फाइनली आपको भाई मैं चलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कहा, थ्री माइनस का वन हो जाएगा, फिर वन माइनस का क्या हो जाएगा बच्चा पलटी, तो वन माइनस का फोर हो जाएगा। अगली प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, आप समझ सकते हो। फोर माइनस का थ्री हो जाएगा बच्चा, फोर माइनस का थ्री लिख लिया, थ्री माइनस का टू होगा, थ्री माइनस का टू, वन माइनस का फाइव, वन माइनस का फाइव हो गया, सेवन माइनस का वन हुआ तो सेवन माइनस का वन हो गया, टू माइनस का सिक्स हुआ तो टू माइनस का सिक्स लिख दिया, और नाइन माइनस का थ्री हो गया तो नाइन माइनस का थ्री लिख दिया। अब गाइस सिंपल आसान लैंग्वेज है, घटा के लिख दें, टू में से वन जाएगा कितना बच जाएगा बच्चा पार्टी, तो आप देख सकते हो कि टू में से वन जाएगा वन बचता है, नाइन में से वन जाएगा टू बच जाएगा, बड़े में से छोटे घटाएं बड़े का साइन लिखें तो फोर में से वन जाएगा थ्री बचे, लेकिन बड़े साइन क्या है माइनस थ्री, तो माइनस का थ्री हो जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा वन बचेगा, थ्री में से टू जाएगा वन बचेगा, फाइव में से वन जाएगा माइनस का फोर बचेगा, सेवन में से वन जाएगा सिक्स बचेगा, सिक्स में से टू जाएगा माइनस का फोर बचेगा, नाइन में से थ्री जाएगा कितना बच जाएगा सिक्स बच जाएगा। और फाइनली मेरे पास गाइस ये क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ गाइस, इसको आपको शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। एंड गाइस क्वेश्चन को मैं अब चलता हूँ रिमूव करने, और क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, और क्वेश्चन को चेंज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो गाइस कुछ ऐसा कुछ नया हो जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें गाइस, और क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, मान लो माइनस का टू हो जाए, माइनस का थ्री हो जाए, वन हो जाए, सेवन हो जाए, टू हो जाए, माइनस का फोर हो जाए, वन थ्री का माइनस थ्री हो जाए, चाहे माइनस यही मैं करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, वन है फोर है थ्री है माइनस सेवन माइनस टू माइनस का वन है थ्री है टू है माइनस वन है। क्वेश्चन देखें कैसे होने वाला है, कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। माइनस टू है तो माइनस को टू कर देना है, और गाइज घटा रहे हैं तो माइनस को लगा दें, और ये वाली वैल्यू वन है तो वन लिख लें, माइनस थ्री है माइनस थ्री लिख लें, और दूसरी का चक्कर दूसरे से तो माइनस फोर है माइनस फोर कर लें, वन में से थ्री तो वन माइनस का थ्री कर लें, सेवन माइनस का सेवन तो सेवन लिखे माइनस में होता है ऑलरेडी माइनस है तो ऑलरेडी माइनस का लगा लें बच्चा पार्टी, टू माइनस का टू तो टू लिखे सब्ट करना है तो माइनस ऑलरेडी माइनस टू है तो ब्रैकेट में माइनस लिख दें क्योंकि इसको चेंज करेगा, माइनस फोर है माइनस फोर लिखें और माइनस का वन लिख लें बाबू, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। वन माइनस का थ्री लिखें तो मैंने कहा वन माइनस का थ्री कर लिया, अब देखें बाबू माइनस का थ्री है माइनस का थ्री और माइनस का टू कर लिया, थ्री माइनस का वन तो थ्री माइनस का वन हो जाएगा। अगला गाइस आप चलता हूँ और आंसर की दुनिया में शायद पहुँचने वाला हूँ, माइनस टू माइनस वन माइनस का थ्री होता है, माइनस का थ्री माइनस का फोर माइनस का सेवन होता है, थ्री में से वन जाएगा बच्चा पार्टी माइनस का टू बच जाएगा, सेवन है सेवन लिखे और माइनस माइनस प्लस का सेवन हो जाएगा, टू है टू लिखे या माइनस माइनस प्लस का टू हो जाएगा, माइनस फोर है माइनस फोर लिखे या माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, थ्री में से वन जाएगा माइनस टू बच जाएगा, माइनस थ्री माइनस का टू माइनस का फाइव बचेगा, और थ्री में से वन जाएगा टू बच जाएगा। फाइनल चलता हूँ आंसर की दुनिया में, माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस का सेवन हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, सेवन सेवन आपका फोर्टीन होता है, टू टू का फोर होता है, माइनस फोर और वन बड़े में से छोटे घटाएं बड़े का साइन लिखे, फोर में से वन गया थ्री बचा बड़ी संख्या माइनस तो हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव और टू, और मेरा गाइस ये फाइनली क्या है आंसर है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको बेहद गाइस अच्छा लगा होगा वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।